अब फिशेस को आजाद करने का टाइम जब आ चुका है तो अभी मैं फिशेस को छोड़ देता हूँ। ये गई भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो भाई आपको पता है कि हमारे पास ना यहाँ पे शार्क फिशेज जो हमने रखी हुई थी, माशाल्लाह उनकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। एक नहर वाली जगह पे चले जाएं और क्यों ना भाई इनको जो है वो आज़ाद किया जाए, क्योंकि यार वहाँ पे बहुत सारी फिशेज भी रहती हैं और बहुत बड़ी बड़ी फिशेज भी वहाँ पे रहती हैं। और अभी वहाँ पे चलते हैं भाई, अगर हमें और बड़ी बड़ी फिशेज जो वहाँ पे मिलती है ना तो हम वो भी ज़रूर लेके आएंगे। और जो हमारे पास छोटी शार्क फिशेज है ना तो आज हम इनको भी आज़ाद करें, क्योंकि भाई यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदे जो हैं वो फिशेज पकड़ रहे हैं। तो हम भी चलेंगे वहाँ पे और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलें फिर भाई, हाँ आ जाए। तो अभी दोस्तों हम अपनी शार्क फिशेज जो है वो शापर वगैरह में डाल देते हैं, तो फिर हम नहर पे जाके उनको आज़ाद कर देंगे और बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह हमें। तो भाई इसको बाहर ले आओ, हाँ इसको उठा लो आप, इसको भी उठा लो और बाल्टी जो है वो बाहर लेके चलते हैं। आ जाओ, आ जाए जी। हाँ पानी यार इनका मैला हुआ पड़ा है, क्योंकि भाई हमारे पिजन इनके ऊपर जाके बैठ जाते हैं और पानी सारा जो गंदला कर देते हैं। सारा डाल दे भाई। वो देखें भाई, वो चली गई हमारी फिशेज, वो देखें सारी आ गई हैं। सारी आ गई हैं भाई। तो पानी यार थोड़ा गंदला है, पानी यार क्या हुआ है भाई? कुछ नहीं हुआ तो भाई मैं तो कहता हूँ भाई इनका पानी जो वो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि पानी यार ये गंदला हुआ पड़ा है, ऊपर इनके पीछे लाके बैठ जाते हैं और सारा पानी इनका गंदा कर देते हैं। नहीं यार नहीं, मतलब उनकी खुराक भी मिली हुई है ये, मतलब भाई अब तो हम नेचुरल में इनको छोड़ने वाले हैं। अभी ये आजाद हो जाएंगे तो ये ताजा फ्रेश वहाँ पे जो इनको फीड मिलेगी ना वो हम यहाँ पे इनको भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। पानी जब इनका साफ कर लेंगे ना तो बहुत खूबसूरत लगेंगी, और क्योंकि अब हम इनको आजाद करने वाले तो यार हमारा तो हक बनता है, हमने इतना दिन इनको पाला है तो जरा अच्छे तरीके से इनको देख लेंगे और इनको खेलता हुआ भी इशा पर में देख लेंगे। तो मोटर हमने चला दिया ताकि फ्रेश पानी जो है वो आ सके, और मैं अभी ये गंदला पानी जो है वो सारा बाहर निकाल लेता हूँ और फ्रेश पानी जो है वो इसके अंदर डाल लेते हैं, ख्याल से कहीं छूट ना जाए। हाँ यार ये मुझे भी डर लग रहा है। ओ भाई फिश अभी आ रही है, तो भाई ऐसा ना हो यार फिश कोई निकल ना जाए हमसे। अब देखिए तो अब जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, देख ले पानी ठंडा आ जाए। ठंडा पानी बंद कर दी। हाँ जी अब देखो भाई, अब बादल देखो कितनी प्यारी लग रही है यार। मेरा तो अब दिल कर रहा है भाई इनको नहीं छोड़ते यार, क्योंकि यार ये देखे ना कितनी प्यारी लग रही है, रेड कलर वाली तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। आ जाओ भाई क्या करें भाई, बहुत बड़ी नहर के ऊपर हम आ चुके हैं। ये देखे भाई फ्लड का पानी आ रहा है, ये देखे कितनी तेज पानी है। अभी नीचे चलते हैं और फिशेज अभी हम अपनी लेके आए हैं और अभी हम इनको आजाद करने वाले हैं, वो भी बहुत बड़े पानी में, जो कि हमारे पास तो यार एक छोटा सा पानी था, मतलब एक बाल्टी के अंदर हमने रखा हुआ था। तो आज आज इतने बड़े दरिया में इनको छोड़ेंगे ना तो यार मुझे लगता है भाई बहुत दुआएं देंगी और बहुत ज्यादा खुश होंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यार ये देखे यहाँ पे उन्होंने कुंडी लगाई हुई है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखे ये फिशेज के बच्चे इस कांटे के अंदर जो वो लगाए गए हैं, वो देखिए सब कांटों के अंदर जब मछली के छोटे छोटे बच्चे लगाए गए हैं, ताकि जो भी यहाँ पे बड़ी मछली आए ना वो इनको खाने आए और फिर आके वो उस कांटे में फंस जाए। मैं आपको उधर भी दिखाता हूँ, वहाँ पे बहुत बड़े जब नेट लगाए गए। अभी इस भाई ने जब एक फिश पकड़ी हुई है तो अभी हमें दिखाते हैं, ये भी पहले हम देख लेते हैं, ये दिखाएं जरा हमें, ये चेक करें माशाल्लाह यार कितनी बड़ी फिश है। हमें मिल जाए ना भाई, अगर कोई जिंदा है ना वो हमें देनी है आपने, हाँ वो आपने लाजमी देनी है। और अभी भी इसमें थोड़ी सी जान बाकी है यार, ये किलो की नहीं होगी, आधे किलो से ज़्यादा है, लेकिन ये आधे किलो से भी कम होगी। हाँ ये भाई पकड़ लें आप, ये देखें आप। तो अब ये मैं दोस्तों जो है नेट के करीब जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें भाई यहाँ पे नेट लगाए गए हैं, जो कि फिश यहाँ पे आती है ना तो भाई वो इधर आगे ना पीछे जब वो जंप लगाती है और इस जगह पर आके फंस जाती है। ये भाई उन्हें वो जो मछली बड़ी पकड़ी हुई है ना वो इसी जगह से पकड़ी हुई है भाई, जैसे ही फिश आती है ना वो उल्टा जो जंप लगाती है और इस नेट के अंदर आके फंस जाती है। अगर यहाँ पे कोई आती है तो भाई मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो अभी हम वेट भी कर लेते हैं इनका, और अगर कोई फिश आती है ना भाई तो फिर तो भाई मज़ा आ जाएगा भाई, दिल खुश हो जाएगा हमारा। और भाई देखिए वो पानी के अंदर गए हुए हैं, और आप पानी का बहाव चेक करें यार कितनी ज़्यादा जो है वो तेज़ है, ये देखें आप। तो पहले आप ऐसा करते हैं अपनी फिशेज को जो है आज़ाद कर देते हैं, तो फिर जो है वह नई फिश का इंतज़ार करते हैं, अगर भाई नई फिश आ जाती है ना तो भाई मज़ा आ जाएगा और इंशाल्लाह हम ये नई फिश जब जिंदा लेके जाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई के पास तो मरी हुई भी है, उसने कहा कि वो भी लेके जा सकते हो,
लेकिन हम जो है वो जिंदा फिश लेके जाएंगे। आ जा फरो भाई, आ जा। अब फिशेज को आजाद करने का टाइम जो आ चुका है, तो अभी मैं फिशेज को छोड़ देता हूँ। ये देख लें यार, कितनी प्यारी फिशेज हमारे पास, बहुत खूबसूरत लग रही है यार। रेड वाली पे मेरा तो दिल आ गया, मेरा थोड़ा सा भी दिल नहीं कर रहा कि इसको आजाद कर दूं मैं, लेकिन भाई हमें आजाद करनी ही है। बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा आखिरी मैसेज आपको यही है कि जब बड़ी हो जाओ ना तो हमारे पास लौट के वापस आ जाना यार, प्लीज। तो भाई आजाद कर दें आप, आजाद कर। तो अभी तो सब इनको आजाद कर देते हैं पानी के अंदर, ये इधर मैं इनको आजाद करूंगा तो इंशाल्लाह फिर ये खुद अंदर चली जाएंगी। हाँ यहाँ पर वैसे भाई रेडी हो जाओ। ओके ये गई भाई, ये दिखाओ जरा। और चली जा, और शार्क भी चली गई है यार, शार्क भी चली गई है, और मैं इसको उधर खुद फेंक देता हूँ। अब चली जा, चली जा, चली जा, चली जा, चली जा। वो देखो, वो देखो, वो चली, वो वापस आ गई है यार। वो पानी उसको अंदर जाने नहीं दे रहा, अब गुम हो गई है, अब गुम हो गई है भाई ये। अब बाकी शार्क जो है वो इनको भी छोड़ देते हैं हम। हाँ जी, ये रही, ये रही शार्क पीछे, इधर चली जाओ। हाँ तो पानी यार इनको बाहर ले आता है यार, ये देखो कोई मर जाएगी। हाँ इनको अंदर डालो यार फरोख भाई, हेल्प करो यार मेरी। ये वो देखो पानी इनको दोबारा जो है बाहर फेंक देता भाई, पता नहीं क्या गुस्सा है पानी को। ये आपके सामने पड़ी है, ये भी पड़ी है सामने, कहाँ पे है यार, क्या करें फरोख भाई, किधर गई है वो? ये है। हाँ एक मिनट मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ। ये है ये। हाँ मैं इसको उधर फेंक, वो चली गई। और कहाँ पे है? बस सारी चली गई। अब देखो कोई वापस नहीं आए भाई, रेड कलर वाली वो यार, ये दोबारा आ गई है, इसको पकड़ ले यार। चली गई आप, एक मिनट वापस आएगी यार, ये वापस आएगी, और करना यार आएगी ये वापस। अब अगर आती है ना तो इसको अंदर फेंक दूंगा मैं। फिशेज हमने दोस्तों सारी आजाद कर दिए, और अभी हम इंतजार करें कि भाई कोई बड़ी मछली जो है वो आ जाए, तो भाई हमें वो वाली जो मछली गिफ्ट करने वाले हैं। तो उन्होंने तो भाई ऐसा कहा कि जो भी मछली यहाँ पे आ जाती है ना तो पहले पहले हम आपको ही दे देंगे। तो अभी हम उसका भी वेट कर रहे हैं। उधर भाई जो है वो कांटे सारे जो वो चेक कर रहे हैं कि किसी कांटे के अंदर जो है वो फिश आ तो नहीं गई, अगर आ गई है तो भाई वो उसको बाहर निकाल के आएंगे। और भाई मैं आपको बताता हूँ, जो आपको मैंने फिशेज दिखाई है ना जो, वो उधर कांटे के अंदर लगी हुई हैं, वो जिंदा फिशेज हैं। ऐसा नहीं कि फिशेज वो मरी हुई हैं, वो जिंदा फिशेज हैं। अगर मरी हुई लगाते हैं ना तो बड़ी मछली जो उनको खाने नहीं आती, वो हमेशा जो है वो जिंदा मछली को ही खाने आती, मरी हुई को वो नहीं खाने आती। तो अभी भाई ये देखें शूज़ मेरे इधर पड़े हुए हैं, और मेरी हालत चेक करें। तभी मुझे मैं कहता हूँ भाई इसको मैं उधर ले जाता हूँ, क्योंकि भाई जूते मेरे ना अंदर धंस जाते हैं। तो अभी दोस्तों भाई ने बताया है कि हमारे और भी फिशेज के जाले हैं वो लगे उस साइड पे, और उन्होंने बताया कि वहाँ पे मछली जो है वो आई हुई है। तो अभी चल के देखते हैं कि भाई अगर वो जिंदा उन्होंने पकड़ी हुई है ना तो वो जिंदा हम फिश उनसे ले लेंगे। भाई थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे अपने फिशेज जो आज़ाद किए हैं, तो हम भाई कब से इंतजार कर रहे हैं कि हमें जो है मछली जो है मिल जाए, क्योंकि भाई उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेट लगाए हुए हैं, और हम जो है तकरीबन एक डेढ़ घंटे से इंतजार कर रहे हैं कि हम कोई नई फिश जो है वो मिल जाए, लेकिन भाई इधर हमें नहीं मिल रही। तो अभी भाई बता रहे कि वो डेढ़ किलोमीटर आगे जो है वो गुलीटा है, जहाँ पे फिशेज जो है वो जंप लगा के आ रही होती है, तो उधर चलते हैं, क्या पता आपको जो है वो फिशेज वहाँ पे मिल जाए, और फिशेज भी हमें जिंदा ही ढूंढनी है भाई। ऐसा नहीं भाई कि हमें मरी हुई फिश चाहिए, क्योंकि मरी हुई फिश भाइयों के पास वैसे भी बहुत ज़्यादा है। चले फरोख भाई, चले चलो।